वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं JNVMaths.com के साथ। उम्मीद करता हूं कि इतने लंबे समय बाद देखने के बाद भी आप खुश हुए होंगे, नाराज़ नहीं हैं कि काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, समय लग भी जाता है और अच्छी बात है समय का लगना भी। आज हम बात करेंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की, जिसमें हम मैथ्स की क्लास डिस्कस करेंगे और डे बाय डे अलग अलग चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पे आपको डेली अलग अलग टाइप के अलग अलग चैप्टर्स के क्विजेज मिलते रहेंगे। अगर हमारी वेबसाइट पे आप नहीं पहुंचे हैं तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके साथ साथ हम पूरे के पूरे बैच को, यानी पूरा का पूरा कोर्स, चाहे वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लाइक सुपर हैंडेड हो, बुनियाद हो, नवोदय हो, MP सुपर हैंडेड हो, या अदर जितने भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जिनको हम पुख्ता तौर पर बताएंगे कि ये क्लासेस किस किस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम हमारी ही वेबसाइट पे कोर्स देंगे और उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं 0 रुपये में और आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स। इसके साथ साथ आपको हमारी वेबसाइट के द्वारा एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, आप पढ़े हो इसलिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि कल को जब भी हम आपका इंटरव्यू लें तो आपको काम आएगा। अभी हम करते हैं आज के पहले प्रश्न की शुरुआत। आज का पहला प्रश्न, फाइंड द नंबर वॉज 1/3 एक्सीड्स इट्स फिफ्थ बाय 16। यानी ये कह रहा है कि हमें एक नंबर को फाइंड करना है जो कि जिसका 1/3 यानी उसका तीसरा पार्ट एक्सीड्स इट्स फिफ्थ बाय 16, यानी उसके पांचवें पार्ट से 16 अधिक हो, 16 ज़्यादा हो। कहना चाहता है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ज्ञात कीजिए जिसका एक तिहाई भाग, तीसरा भाग, एक तिहाई मतलब 1/3 तीसरा भाग उसके पांचवें भाग से, उसके पांचवें भाग से 16 अधिक हो, 16 ज़्यादा हो। इसे करेंगे और इसके लिए हमें एक लेट करना होगा, एज्यूम करना होगा, एक नंबर मानना होगा कि वो जो संख्या है, यानी वो नंबर है या वो संख्या है जो हमें निकालनी है वो एक्स है। वो संख्या या नंबर जो है वो क्या है, एक्स है, हम मान लेते हैं। और अब हमें पता है कि इस एक्स का 1/3 पार्ट या 1/3 भाग कितना होता है, एक्स बटा में 3, जो कि बराबर दिया गया है उसके पाँचवें भाग से, यानी फिफ्थ पार्ट से। तो इसी का पांचवा भाग जो है उससे ये कितना है, 16 अधिक है। यानी हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका तीसरा भाग करेंगे ना तो वो बराबर आएगा पांचवें भाग से 16 ज़्यादा। कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे दिया गया है। इक्वलिटी का रूल आप जानते हो, यहाँ पे ये संख्या प्लस की है, इधर आके माइनस की हो जाएगी। अब इसी संख्या को इधर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हम एक्स वाले और एक्स वाले कंपोनेंट को अलग कर रहे हैं, अलग अलग बना रहे हैं, इसीलिए हमने लिख दिया x अपॉन 3 माइनस में x अपॉन 5 इज इक्वल टू 16। यानी x बटा में 3 माइनस में x बटा में 5 बराबर हो गया 16। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि इसका 3 × 5 करेंगे तो 15 बनता है, नीचे की मल्टीप्लाई कर दी। अब इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 5 की इस x के साथ गुणा और इस 3 की इस x के साथ गुणा, तो 5 × x 5x माइनस में निशान जैसे के वैसा 3 × x 3x इज इक्वल टू 16। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एलसीएम के सवाल हम जो है छठी क्लास से करते आ रहे हैं। एलसीएम लेना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, जो कि हमने ले लिया। अब इसके बाद में ये कहता है क्या होगा, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू बचेगा 2x अपॉन 15 पड़ा है इज इक्वल टू 16। यानी 2x/15 बराबर 16 यहाँ पे बच जाता है। अब क्या करना है, अब इसे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। 2x बराबर ये यहाँ पे 15 जो है इसके डिवाइड में है, भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, 16 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 15 जो है इधर जाके 16 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 16 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये x के 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये होता है इक्वलिटी का रूल। और 2 × 8 = 16 होता है, हमें पता है। और 15 × 8 = 120 होता है, 15 × 8 = 120। ये आ जाता है x की वैल्यू, यानी वो जो नंबर था वो था 120। अब आप कहोगे कि सर 120 ही वो नंबर होगा तो ऐसा कैसे हो सकता है। हम वापस आ जाते हैं इसने जो बोला, जैसे ये बोल रहा है वैसे कर रहे हैं उसी बात पर। ये कहता है एक संख्या है उसका 1/3 पार्ट करेंगे, यानी इसका तीसरा भाग करेंगे, यानी 120 / 3 कर दिया,
बराबर आएगा, ये कह रहा है 120 बटा के 120 के पांचवें भाग से 16 अधिक। तो करके देख लीजिए, 3 1 3 एंड 3 4 12 यानी ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा, 5 1 5 5 2 10 टू 5 4 20 24 एंड 16 ये भी कितना आ गया 40, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। इट मीन्स ये क्या है, हमारी जो थ्योरम हमने स्टार्ट की थी और x की वैल्यू फाइंड की थी वो क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सही है। सो इतना इजी सवाल है और इसी टाइप के आपके एंट्रेंस में एंट्रेंस एग्जाम में सवाल आते हैं, चाहे वो सुपर हंड्रेड एनडीए हो या कुछ भी हो। जो सुपर हंड्रेड एनडीए में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए और जो नवोदय में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए ये खास बात है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए ही एक ही टाइप की क्लास बना रहा हूं, एक ही क्लास में आप दोनों चीज पा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं लेकिन उनका एग्जाम जैसे सुपर हंड्रेड एनडीए एग्जाम इंग्लिश में आएगा तो वो हिंदी में समझकर उस उन चीजों को हल कर सकता है और आपके लिए ये आसानी हो सकती है, ठीक है। और हमारे जो जितने भी क्विजेज हैं वो आप लगा सकते हैं हमारी वेबसाइट jnvmaths.com पर, आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। अगला सवाल है, ये कह रहा है लेस देन 60 यानी 60 से छोटी संख्या कितनी बनेगी, कौन सी संख्या, प्राइम नंबर, कौन सी संख्या, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, 60, 100, 200, 1000 कि इनसे छोटी कितनी अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर्स हैं। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या क्या होती है उसे समझते हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है या तो वो खुद से भाग जाएगी या वो एक से भाग जाएगी। दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं 1 to infinity तक, वो हर नंबर एक से भाग जाता है, यानी एक एकम एक होता है, यानी 1 1 जा 1 होता है, 1 2 जा 2 होता है, ऐसे ही 1 infinity हो जाता है। मतलब जो नंबर हम लास्ट तक जाएंगे, जिस भी संख्या के लिए जाएंगे वो एक से तो भाग होती ही जाएगी। तो इस संख्या को अभाज्य संख्या कहना प्लस में, और जो संख्या वो खुद से ही भाग जाएगी, किसी और संख्या से एक के अलावा भाग न जाएगी, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो अब इसने पूछा है कि 60 से छोटी कितने प्राइम नंबर्स हैं। सबसे पहले तो प्राइम नंबर को समझते हैं, जैसे कि 2 3 5 7, यहां पे एक संख्या लिखते हो कई बार आप गलती कर जाती हो, 9। ये 9 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आती, क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में आती है, और ये जो 9 है ये एक विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या और अभाज्य संख्या में कंफ्यूजन हो जाती है, आप बहुत बार अभाज्य संख्या की जगह विषम संख्या लिख आते हैं, लेकिन विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 के पहाड़े पे नहीं आती, यानी जो 2 से डिवाइड नहीं होती। इसके अलावा जितनी भी संख्या है वो विषम संख्या होती है, जैसे 1 3 5 7 9 10 11 13, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो किसी ना किसी से भाग तो जाती है, और उन संख्याओं को अभाज्य संख्या में गणना नहीं करते, वो होता है अभाज्य। जैसे 9 को हम नहीं लिखते, ठीक है, यानी 7 के बाद में हमारे पास सीधा आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23, फिर आएगा 29, फिर आएगा 31, फिर देखिए 33 3 के टेबल में आ रहा है, फिर 35 7 5 35, 5 7 35, 5 के टेबल में भी, 7 के टेबल में भी आ रहा है, फिर आता है 37, ये नहीं आता, फिर आता है 39, 3 के टेबल में आता है, फिर आता है 41, ठीक है। 41 के बाद में क्या आएगा, 43, फिर आ गया जैसे 45, हमें पता है टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, फिर आता है 47, ये भी 3 के टेबल में आता है, 47 क्या आता है, क्या 3 के टेबल में नहीं आता, मेरे पीछे मत बोलिए आप, ठीक है। अब इसके बाद में 47 के बाद में 49 7 के टेबल में आता है, 51 13 के टेबल में आता है या 3 के टेबल में आता है, इसके बाद में आ जाता है 53, किसी के टेबल में नहीं आता, यानी किसी के मतलब में यहां पे एक को नहीं गिन रहा। फिर आता है 55, आता है 5 के टेबल में, फिर आता है 57, 3 के टेबल में आता है, ठीक है, फिर आता है 59 जो कि किसी के टेबल में नहीं आता। अब ये संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। अब एक बात को याद रखेंगे आप, ये ट्रिकी प्रश्न होता है कि 50 से पहले तो हमारी 15 संख्याएं होती है, हम इनको याद कर सकते हैं और इन्हें समझ भी सकते हैं कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं 15 होती है। अब 60 से छोटी कह दी तो हमें गिनना क्या है, दो ही संख्याओं को गिनना है, 53 एंड 59, यानी 17 जो है 60 से छोटी अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर्स होते हैं। बहुत ही ट्रिकी सवाल है। अब 100 के लिए भी आप ट्रिक याद कर सकते हो, 100 के लिए संख्याएं गिन लोगे, याद रहेगा, याद रहने लग जाएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। तो ये इतना इजी सवाल था कि पूछो मत, लेकिन वही बात है, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है और हम प्रैक्टिस की ओर नहीं भागते, इसीलिए हम मात खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, संख्या पद्धति में चार अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती है, हाउ मैनी टोटल फोर डिजिट नंबर्स आर देयर इन द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारा चैप्टर है, हमारा प्रश्नावली है जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर फोर डिजिट यानी अलग अलग चार अंकों की कितनी संख्याएं होती है, कितनी संख्याएं होती है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि चार अंकों की संख्या की शुरुआत कहां से होती है। चार अंकों की शुरुआत सबसे छोटी संख्या 1000 से होती है। यह कितने अंकों की संख्या है, चार अंकों की संख्या, 1 2 3 4, और चार अंकों की संख्या का अंत जो है वो होता है 999 एंड 9, 9999। इसके बाद में आ जाता है 10000, यानी पांच अंकों की संख्या। शुरुआत 1000 से होती है और अंत इसका 9999 यानी 9999 से होता है। अब इसमें फोर डिजिट की टोटल संख्याएं कितनी होती है वो निकालना है, तो बहुत ही इजी है। कैसे, सबसे ज्यादा यानी टोटली लास्ट संख्या ये है, पहली संख्या ये है, इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, 9998, ठीक है, और इसके प्लस में कर दीजिए 1, यानी 1 प्लस में करने से ये हो जाएगा 1 एंड 9 10, 0, ठीक है। इसमें एक जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए, 0 हो गए, कैरी 1 चली गई, फिर 10 हो गए, 0 हो गए, कैरी 1 चली गई, फिर 10 हो गए, यानी 9000। अब ये कैसे किया है वो समझिए, यानी 9999 से 1000 को घटा दिया, वो हमारे पास संख्याएं जो तीन अंकों की थी या इससे छोटी थी, यानी 1000 से शुरू होती है, वो 1000 संख्याएं इसमें से घटा देते हैं, टोटल संख्या ये है। लास्ट नंबर का मतलब होता है ये टोटल संख्या है, इस टोटल में से 1000 जो पहली संख्या बनती है वो घटा दीजिए, वो घटाने के बाद में वो छोटी वाली संख्याएं निकल जाएगी। अब सोचिए कि एक को यहाँ पे क्यों जोड़ा गया है, एक को यहाँ पे इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये जो 1000 हमने घटाया है ये फोर डिजिट नंबर है, ये फोर डिजिट नंबर है, ये एक नंबर जो था हमने इसके साथ यूं ही माइनस कर लिया। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, डरने की जरूरत नहीं है, कि 9999 ये टोटल लास्ट नंबर है, किसका किसका नंबर है ये लास्ट नंबर, ये है फोर डिजिट का, लेकिन थ्री डिजिट का लास्ट नंबर कितना है, 999, यानी 999 टोटल क्या है, थ्री डिजिट के नंबर्स बनते हैं, उसमें टू डिजिट भी आ जाते हैं, वन डिजिट भी आते हैं, लेकिन फोर डिजिट नहीं आता ना, तो फोर डिजिट से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनको माइनस कर दीजिए, कितना बनता है 999, क्योंकि इससे आगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है, इसको घटा दीजिए, ये भी एक ही बात है। आपको जैसा सूटेबल लगता है, जो भी तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप हल कर सकते हैं, और ऐसे प्रश्न, ट्रिकी प्रश्न जो है आ जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, उनको भी सोल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, द सम ऑफ थ्री कंजेक्टिव नंबर्स इज 160 मोर देन देयर एवरेज, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। नहीं समझ में आया होगा, नीचे दिया गया है, दोबारा पढ़ लेते हैं। इसने कहा द सम ऑफ थ्री कंजेक्टिव नंबर्स, यानी लगातार तीन सम संख्याओं का योग 160 एंड मोर देन देयर एवरेज, इस एवरेज से ज्यादा है, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर,
अब इसमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है कौन सा बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो सम संख्या का समझते हैं कि क्या होगा, कैसे करेंगे। लगातार तीन सम संख्याएं दे रखी है, लगातार सबसे पहले तो ये देखिए कि लगातार तीन संख्या सम संख्या दे रखी है। हमने समझ लिया कि अच्छा ठीक है भैया, लगातार तीन सम संख्या हमें दी हुई है और हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। तीन लगातार सम संख्याओं का योग जो है, तीन लगातार सम संख्या कौन सी बनेगी देखिए, यानी इवन नंबर्स कंसेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से बनेंगे तीन? सबसे पहले हम मानते हैं एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस फाइव। अब इसे हम सम संख्या कैसे मान सकते हैं, क्योंकि लगातार बोला है तो इसमें एक ऐड होता जाएगा, एक ही ऐड होता जाएगा, यानी एक और एक दो, एक और तीन चार और एक और पांच छह। ये क्या है, ये क्या है, ये लगातार कंजेक्टिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसने बोला देखिए, अब संख्या को पढ़ते, तीन लगातार सम संख्याओं का योग, इन तीनों का योग, जैसे ये प्रश्न कह रहा है, यानी x प्लस में वन प्लस में x प्लस में थ्री प्लस में x प्लस में फाइव, इस प्रश्न में ये पूछ रहा है, इन तीनों का सम उसके औसत से 160 अधिक है, इसके एवरेज से 160 अधिक। अब इसकी एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए बराबर है x प्लस में वन प्लस में x प्लस में थ्री प्लस में x प्लस में फाइव, ये तीन नंबर है ना, कोई भी तीन संख्याओं की एवरेज निकालनी है तो बटा में क्या कर दिया, तीन, यानी छः सात और आठ है, इसकी एवरेज निकालनी है तो मतलब छः प्लस में सात प्लस में आठ बटा में ये कितनी टोटल संख्या है, तीन है, ये निकल जाती है इसकी एवरेज। तो ये कहता है कि इनका सम जो है ना बराबर है इसकी एवरेज उसके औसत से 160 अधिक है, इसकी एवरेज से 160 क्या है, ज्यादा है, 160 क्या है, ज्यादा है। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है सबसे बड़ा नंबर। एक बार फिर से इस डेफिनेशन को समझते हैं, इस स्टेटमेंट को समझते हैं, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर्स, सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर्स इज 160 मोर देन देयर एवरेज, 160 जो है इसकी एवरेज से ज्यादा है, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है, यानी जो लास्ट संख्या बड़ी संख्या मानी है वो कौन सी है। बहुत ही आसान है, पहले तो इनको जोड़ते हैं, वन एंड थ्री फोर, फोर एंड फाइव नाइन, एक्स 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 थ्री एक्स इज इक्वल टू, ये भी ऐसा ही होगा, थ्री एक्स प्लस में नाइन अपॉन थ्री इज प्लस में 160। ठीक है, तो 3x प्लस में 9 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, इससे कैंसिल 3 से 3 एंड 3 3 9, x प्लस में 3 प्लस में 160। ठीक है, अब ये x है, इसको इधर ले आइए, 3x में से x गया 2x बनता है, इज इक्वल टू ये क्या है 163, और ये 9 यहां पे प्लस का, इधर लेके चले जाइए, 2x इज इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा, यानी यहाँ पे 3 में से तो 9 जाएगा नहीं, 13 में से 9 जाएगा, हमें पता है 13 में से 9 गए 4 बचते हैं, 6 की जगह 5 हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 ने कैरी ली थी 5 एंड 1, एंड x इज इक्वल टू 2 वन जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, x इज इक्वल टू कितना आ गया 77, एंड 77 एंड 5, 77 एंड 5, यानी ये लार्जेस्ट नंबर जो हम निकाल रहे हैं, 7 और 5 12, 82। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल का हल होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, पूछा क्या था कि तीन कंजेक्टिव नंबर्स हैं और उनका जो योग है, उनका जो सम है, जोड़ेंगे जब उसको, वो इक्वल आएगा किसके, उसकी एवरेज प्लस में 160 के, यानी इसकी एवरेज से 160 अधिक होगा, ये होता है। बहुत ही आसान सवाल, अब इसे हम कंफर्म भी कर सकते हैं, यानी 82 है ना, 82 है, फिर x की वैल्यू यहाँ फाइंड कर दीजिए, यानी 77 एंड 3 80 हो गया, और ये जो है 77 एंड 1 78 हो गया, और ये कितना था 82 हो गया। अब इनको प्लस करके देख लीजिए, इन तीनों की एवरेज के 160 ये अधिक बनेगा, 160 ये अधिक बनेगा।
लास्ट सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, उसको तो मैं टाइप करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज की क्लास का, और सबसे इसे अंतिम क्वेश्चंस बोलूँगा मैं, क्योंकि आज के बाद अब जब अगली वीडियो आएगी उसमें हम एक बार फिर से जो है संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे, इसी चीज़ के बारे में सीखेंगे एक नई क्लास में, लेकिन थोड़ा सा इससे हटके प्रश्नों का जो है प्रश्न बनेंगे। इसने कहा यदि इफ़ वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस एक्स स्क्वेयर, अगर ये है और ये इक्वल होता है x इंटू एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन अपॉन सिक्स, अगर ये जो है वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर यानी एक की पावर दो, दो की पावर दो प्लस में तीन की पावर दो एन प्लस में सो ऑन एक्स की पावर दो जो है ना बराबर है x गुणा में x प्लस वन अपॉन गुणा में टू एक्स प्लस वन अपॉन में सिक्स है, अगर ये इसके बराबर है तो ये कह रहा है एक की पावर दो प्लस में तीन की पावर दो प्लस में पाँच की पावर दो प्लस में सो ऑन प्लस में उन्नीस की पावर दो किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा। देखिए जब कभी भी सभी नंबर्स का योग ज्ञात करना हो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी एक से लेकर अनंत जितनी भी संख्या है यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने किया होगा, अनंत जब n संख्या हो तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स का फॉर्मूला लगता है, ये होता है जब एक से लेकर अनंत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो उसके लिए। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि विषम संख्या हो यानी एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस, तो जब विषम संख्या हो उसके लिए ये फॉर्मूला बदल जाता है, जब विषम संख्या हो और उस सिचुएशन में हो जाता है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन सिक्स, यानी जो यहाँ पे टू एन प्लस वन था वहाँ पे n प्लस टू हो जाता है। अब इतना आसान सवाल कौन छोड़ेगा भाई, 19 यानी लास्ट अंक कितना है, 19 है, क्या है n है, n की जगह लिख दीजिए 19 गुणा में 19 और एक 20 गुणा में 19 और दो 21 बटा में 6, जब इसे हल करेंगे यानी 6 वन जा 6 या तीन के पहाड़ी में 3 सेवन जा 21 एंड 3 टू जा 6 एंड 2 टेन जा 190 इंटू 7 700 सेवन नाइन जा 63 यानी 6 सेवन वन जा 7 एंड 6 13 यानी इसका उत्तर आ जाएगा 1330 1330 1330। बहुत ही आसान सवाल, लेकिन इसके फॉर्मूले हम बहुत पहले से सीखते आए हैं कि जब n संख्याएं होंगी n नंबर्स होंगे तब इसका फॉर्मूला जो है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू एन प्लस वन इंटू अपॉन में सॉरी 6 आएगा, लेकिन जब यही संख्या जब है बदल जाएगी ओड नंबर में विषम संख्या में तब इसका फॉर्मूला हो जाता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन इंटू एन प्लस टू अपॉन में 6, तो बहुत ही आसान हो जाता है। हमारी क्लास को लाइक एंड शेयर दोनों करने हैं, लाइक एंड शेयर दोनों करने हैं, और इसके साथ और भी इस वीडियो के साथ कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे कहीं कहते हैं हम यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी अगर हमारी वीडियो को जैसे कि तैसा डाउनलोड करके अपने चैनल पर लगाते हैं तो मेरी तरफ से फुल्ली परमिशन है, मैं किसी भी तरह का कोई भी कॉपीराइट केस नहीं देने वाला। आज के लिए इतना ही, लेकिन जल्द ही मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।